नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A15 5G वर्सेस Samsung Galaxy F34 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A15 5G में 6.3 इंच जबकि F34 5G में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A15 5G में 3.02 इंच जबकि F34 5G में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A15 5G में 0.33 इंच जबकि F34 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A15 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A15 5G में 200 ग्राम जबकि F34 5G में 208 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A15 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A15 5G में 19:5:9 जबकि F34 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A15 5G में 6.5 इंचेस जबकि F34 5G में 6.46 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2340px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A15 5G में 84.17% जबकि F34 5G में 81.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A15 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F34 5G में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A15 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और F34 5G की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा <less than VR > 12 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा <less than VR > 5 MP 2.4 कैरेट मैक्रो कैमरा <less than VR > देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A15 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F34 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A15 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और F34 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A15 5G में Mali G57 MC2 जबकि F34 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A15 5G में MediaTek Dimensity 6100 Plus और F34 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो A15 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है, जबकि F34 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A15 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि F34 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A15 5G में Android V14 जबकि F34 5G में Android V13 देखने को मिलती है।
बैटरी A15 5G में 5000 mAh जबकि F34 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A15 5G में 3 कलर्स जबकि F34 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A15 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,590 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें F34 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F34 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 5G है, दूसरा Moto G84 है, तीसरा Motorola Edge 40 Neo 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।